Rio. सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है वीके ब्लॉग सिटी में। सो दोस्तों, आज हमारा वीडियो होने वाला है बलिया से दिल्ली। हम लोग डॉग लेके जाएंगे, यानी कि अपना डॉग हम लोग बलिया से दिल्ली लेके जाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले बलिया स्टेशन के पार्सल हाउस से जाके पता किया कि कौन से ट्रेन में हमको डॉग बॉक्स मिल जाता है जिससे बलिया से दिल्ली अपने डॉग को ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि लोकनायक एक्सप्रेस में आप आराम से डॉग को अपने ले जा सकते हैं, उसमें आपको डॉग बॉक्स मिल जाता है। तो चलिए, हमारा टिकट तो लोकनायक एक्सप्रेस में हो चुका है और डॉग का टिकट जिस दिन ट्रेन होता है उसके एक घंटे पहले ही आपको डॉग का टिकट कराना पड़ता है। एक घंटे या दो घंटे पहले जो भी आपके स्टेशन होगा, मेन स्टेशन, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे आप पार्सल हाउस में जाकर टिकट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि डॉग आप ट्रेन में दो तरीके से ले जा सकते हैं। तो वो भी आप कैसे ले जा सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप अपने साथ डॉग को ले जा सकते हैं। वो भी होता है कि फर्स्ट एसी में लेके चले जाइए, उसमें आपको टिकट कराना ही पड़ेगा। और फर्स्ट एसी में आपको कूप वाली सीट मिलता है, उसमें भी आपको को पैसेंजर होगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको डॉग से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको को पैसेंजर बोल देता है कि डॉग से दिक्कत होता है तो आपके डॉग को डॉग बॉक्स में रखना पड़ेगा। ये टीटी आएगा और उस को पैसेंजर से पूछेगा कि इस डॉग से आपको दिक्कत तो नहीं है। अगर को पैसेंजर बोल देता है कि दिक्कत है तो आपका डॉग डॉग बॉक्स में रखा जाएगा। अगर आपको फोर सीटर वाला फर्स्ट एसी मिलता है तो उसमें भी आपको को पैसेंजर से पूछना पड़ेगा। या आप चार लोग एक साथ जा रहे हैं फर्स्ट एसी में तो आप अपने डॉग को आराम से ले जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने डॉग को डॉग बॉक्स में ले जा सकते हैं, जैसे हम लोग ले जा रहे हैं दूसरे तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी टिकट कराना पड़ता है और इसमें आपको डॉग को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये डॉग आपका गार्ड रूम में आपको ले जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि आप अपने डॉग को डॉग बॉक्स में रखना पड़ेगा। गार्ड रूम में जाके वहाँ पे डॉग बॉक्स होता है, वहाँ पे रखना पड़ेगा, अपने हिसाब से ख्याल रखना पड़ेगा डॉग को, खाना पीना वगैरह सारी चीज़ देना पड़ेगा। चलो चले रियो, चले चलो चलो चले चलो दिल्ली, चलो 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 रियो। तो चलिए, अब हम लोग टिकट कराते हैं इसका। हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे टिकट किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और डॉग बॉक्स में हम अपने डॉग को ले जाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम लोग डॉग को ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से अपना डॉग का टिकट करा के कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में अपने डॉग को ले जा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग टिकट कराने जा रहे हैं, पार्सल हाउस पहुँच चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट सभी दिखाऊंगा आपको, ये फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पर टिकट बनेगा। तो दोस्तों, टिकट कराने के लिए आपको तीन डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहला आपका लगेगा ट्रेन का टिकट, उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड, और तीसरा में जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है उसका एक फोटोकॉपी चाहिए। जो भी अपने डॉग का वैक्सीनेशन करवाए हुए हैं उसका एक फोटोकॉपी चाहिए। तो तीन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इसमें। उसके बाद आपको पार्सल हाउस से एक टिकट फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिल करके पार्सल हाउस में दे देना है। ये सब चीज़ें लगेगा जिससे आपका डॉग का टिकट बन जाएगा। टिकट का प्राइस हम लोगों को लगा 200 रुपये, यानी कि 199 रुपये। उसके बाद आपको एक बिल्टी मिल जाती है, वो एक बिल्टी आपको अपने साथ रखना है, और एक बिल्टी जो होता है वो आपके गार्ड के पास चला जाएगा ताकि गार्ड भी आपको पहचान पाए कि आप ही इस डॉग के ओनर हैं। रियो डॉक्यूमेंट से इसका हो रहा है, टिकट हो रहा है, टिकट करवाने आया है ये रियो। रियो तुम्हारा टिकट हो रहा है। और जहाँ पे आपको डॉग को लेना है, जैसे कि दिल्ली में हम लोग डॉग को रिसीव करेंगे, वहाँ पे अपना ये वाला बिल्टी आपको दिखाना है। और टिकट करते समय आपको लिखना है कि आपका डॉग का वैक्सीनेशन हो गया है, आप अपने डॉग का ख्याल रखेंगे, खाना पीना आपको खुद ही खिलाएंगे। ये सब टिकट करते समय आपको फॉर्म में ये सब चीज़ें लिखना है, एड्रेस वगैरह देना है, फ़ोन नंबर वगैरह उस फॉर्म में भर के दे देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे आपको फॉर्म भरना है तो पार्सल हाउस में पूछ के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद अपना टिकट करा सकते हैं। रियो तुम्हारा टिकट हो रहा है जी, टिकट कराने आए हो? हाँ, टिकट कराने आए। चलो भाई, टिकट हो गया। देखो हम अभी
थोड़ा वेट करेंगे। 2 घंटे पहले आए थे, 1 घंटे पहले भी आके आप टिकट करा सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। जब आप सारा पेपर लेकर आएंगे तो आराम से यहाँ पे बन जाएगा। बलिया से दिल्ली तक जाने के लिए 200 रुपये का टिकट बनाया है टॉप। कोई भी टॉप लाएंगे तो 200 रुपये का टिकट बनेगा। तो अभी एक और जो हम स्टार्टिंग में जो हम जाएंगे यहाँ पे, ट्रेन आने वाली होगी तो फिर हम लोग पार्सल हाउस जाना है। गार्ड रहते हैं उसमें जाके वो मतलब रिसीव करवाएंगे उसको, उनके साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर बलिया स्टेशन पे, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। डॉग रखेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। ये बलिया रियो देखोगे नहीं। दस मिनट रियो तो ये रहा डॉग बॉक्स। अभी हम लोग बलिया स्टेशन पे हैं, यहीं पे अपने डॉगी को यहाँ पे रख दिया हूँ और अभी हम लोग जाएंगे स्लीपर में। हमारा सीट स्लीपर में है, ये डॉग बॉक्स गार्ड रूम में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने स्लीपर बोगी में। यहाँ पे हम लोग को रुकने अभी नहीं दिया जाएगा। ये डॉग बॉक्स का है, ये लास्ट बोगी है इसमें। चलिए अब हम लोग अपने बोगी में चलते हैं। बहुत दूर है S3 में या S5 में शायद। और दोस्तों हम लोग पार्सल हाउस में बताया गया था कि ये लोकनायक एक्सप्रेस में जौनपुर में इसका इंजन चेंज होता है तो गार्ड रूम भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को डॉग को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा गार्ड रूम में। जा रहे हैं लेने डॉग को, यहाँ पे जौनपुर में चेंज होता है गार्ड बोगी चेंज होता है, मतलब बोगी यहीं पर रहेगा, घट का जो वो है ना इंजन चेंज होगा तो गार्ड पीछे चला जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर रखेंगे अब। रियो भूख लगी है, खाना सुन नहीं रहे हो तुम। ये यहाँ पर था, क्लीन है, दिख नहीं रहा अभी, रुको दिखाता है। स्पेस है इसमें, खा जाओ पूरा खा जाओ। डर गया है पूरे। गंदा इसमें तेल वाले ज्यादा साफ है, थोड़ा गंदा है, साफ करते हैं। जाओ अंदर जाओ, इधर जाओ, इधर इधर जाओ। हेलो चलो डरा हुआ आदमी। सो गाइस स्लीपर के बोगी के अंदर से जा रहा हूँ और ये इसका जो बैग है इसमें जो रियो का सामान है, मेरे डॉगी का सामान है इसमें। इसमें इसको कैरी करके लाए थे क्योंकि छोटा था, इसमें इसको ले जाने के लिए नहीं लाए थे, बस इसमें उसका ज़्यादातर सामान रहता है जैसे तौलिया हो गया, खाने का सामान हो गया। जौनपुर में ये ट्रेन 25 मिनट रुकती है तो उसमें आराम से आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकेगी वहाँ पे इसको कुछ खिला दूँगा, उसके बाद लखनऊ में लास्ट में खिलाऊँगा रात में। थोड़ा सा खाया है। चलिए अब सुबह हम आपसे मिलते हैं वहाँ पर, आपको बताएँगे कि कैसे हम लोग वहाँ पर रिलीज भी करेंगे जो आपको लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, 10 मिनट रुकेगी या 5 मिनट रुकेगी, तो चलिए अपने डॉग को थोड़ा खिला देता हूँ, उसके बाद रात में लखनऊ में ज़्यादा देर तक रुकेगी तो वहाँ पे खिला दूँगा। सो दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हमने रात में अपने डॉगी को लखनऊ स्टेशन पे खाना वगैरह दे दिया था, पर वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत कम स्टॉपेज था वहाँ पे और गार्ड वगैरह बोल रहे थे जल्द से खाना खिला के और अपने बोगी में चले जाओ। दोस्तों हम लोग अभी दिल्ली पहुँच गए हैं और हमारा स्टॉपेज आने वाला है, तो ये रहा दिल्ली जंक्शन। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है लोकनायक एक्सप्रेस। अब यहीं पे हम लोग अपने डॉग को रिलीज़ करेंगे।
तो चलिए हम लेने अब जा रहे हैं अपने डॉग को। ये बॉक्स में ही रख के ले जाएंगे क्योंकि अभी छोटा है, बड़ा रहता तो हम लोग इसको पैदल ही लेके चलते। तो ये रहा बॉबी लास्ट को। क्यों जाना तुम्हें? अरे 16 नंबर जाओगे, वो बोलना रुक जाओ तो क्या फायदा फिर होगा तुम्हें? तुम्हारे चक्कर में तो तो दोस्तों हमने रिलीज़ कर लिया अपने डॉग को। वहाँ पे पार्सल हाउस वाले आए थे, दिल्ली में जो पार्सल हाउस वाले आते हैं वहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। तो उन लोगों से मिल के वहाँ पे बिल्टी पे जो टिकट बनता है उस पर साइन करना होता है। उस पर साइन करने के बाद अपने डॉग को ले जा सकते हो। उनको बिल्टी देना पड़ता है तो वो दे दीजिएगा अगर आप डॉग को लेके आते हैं तो। और आपको उस पर लिख के देना पड़ता है कि आपका डॉग सही सलामत आपके पास मिल चुका है, और साइन करके आपको दे देना होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने घर। रियो रियो बाहर आओगे? बाहर आ जाओ, निकालना उसको। आ जाओ पैर रखो अपने। खा रहे हो? ए लेसेस क्यों खा रहे हो यार? चल भाग गया। कितना बोलते हो यार, कितना बोलते हो? मजा आया कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ सुझाव देना है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।